नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल प्रॉपर्टी फॉर यू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे एक 3 BHK का डुप्लेक्स हाउस जो कि लोकेटेड है चंद्रनगर कोहका भिलाई में। जैसा कि अभी मेरे पीछे देख रहे हैं, ये हमारा 3 BHK का डुप्लेक्स हाउस है जो कि काफ़ी खूबसूरत और बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से जो इसका बना हुआ है, वीडियो में आप देख ही रहे हैं। सबसे पहले मैं घर का डिटेल्स आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को घर के अंदर लेके चलूँगा कि अंदर कैसा बना है, सारा चीज़ें आपको दिखाऊंगा। प्लॉट साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो 1100 स्क्वायर फीट के प्लॉट साइज़ में आपको ये डुप्लेक्स हाउस देखने को मिल जाता है। और अगर इस घर की मैं फेसिंग की बात करूँ तो ईस्ट फेसिंग का हाउस आपको ये होने वाला है। घर के अंदर जाने से पहले मैं आपको बाहर का कुछ थोड़ा चीज़ें बता देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको अलग से स्ट्रक्चर बना करके दिया गया है जहाँ पे टाइल्स का यूज़ किया गया है। साथ ही साथ नीचे भी आप देख सकते हैं प्रॉपर लाइटिंग आपको मिल जाती है जो कि शाम के टाइम में जो आपके घर के लुक को और भी बढ़ा देता है। साथ ही अगर आप गमले वगैरह रखना चाहे, अगर फूल वगैरह के गमले रखना चाहे तो यहाँ पर जो है वो रख सकते हैं। तो ये हमारे बाहर का एरिया हो गया। अभी हम चलते घर के अंदर, और अंदर जाने से पहले यहाँ पे आप जो गेट देख सकते हैं ये भी पूरे स्टील की गेट है। आपको स्टेनलेस स्टील की गेट देखने को मिल जाती है जिसमें ग्लास का फिनिश आपको देखने को मिलता है, मतलब ग्लास का वर्क आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये हमारा मेन एंट्रेंस गेट है। साथ ही यहाँ ऊपर भी आप देख सकते हैं, ये हमारा एंट्रेंस है। यहाँ पे भी आपको छोटे छोटे लाइट्स मिल जाते हैं जिससे घर के लुक को और भी बढ़ जाता है। तो अभी चलते हैं घर के अंदर। तो इंटर करते ही सबसे पहले आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है जो कि हमारे पोर्च का एरिया है, इसमें काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ ऊपर आप जो देख रहे हैं यहाँ पे भी लाइट्स लगे हुए हैं, तो शाम के टाइम जो है दोस्तों आपका लाइटिंग वगैरह की वजह से जो है घर आपको काफ़ी खूबसूरत लगने वाला है। तो ये हमारा पोर्च का एरिया है, काफ़ी अच्छा स्पेस है। अगर आपके यहाँ बड़ी गाड़ी है तो भी आराम से यहाँ पर पार्क हो जाएगी, इतना स्पेस आपको मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर पर्सनल बोर की भी फैसिलिटी मिलती है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो पानी का भी कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं होने वाला है। तो ये हमारा पोर्च है, आपको यहाँ पे एक नल कनेक्शन भी देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा स्पेस आपको यहाँ पे भी मिलता है और यहाँ पे आपको प्रॉपर नल कनेक्शन मिल जाते हैं जिसे गाड़ी वगैरह वॉश करना है, पोर्च वगैरह का एरिया अगर आपको धोना है तो उसके लिए आपको यहाँ नल कनेक्शन मिल जाता है। तो ये था हमारा पोर्च का एरिया। अभी हम घर के अंदर चलते हैं। और दोस्तों, इस घर का जो इंटीरियर है वो काफ़ी खूबसूरत है, आपको देख करके एक नज़र में पसंद आना है, ऐसा ही इंटीरियर यहाँ पे किया गया है। तो अभी हम घर के अंदर चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉस्किटो पैनल वाली डोर आपको देखने को मिल जाती है। जनरली घर में दोस्तों आपको नहीं दी जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको ये जो है ये डोर भी मिल जाती है। इंटर करते ही जो ये हमारा डोर है, हमारे हाउस का मेन डोर है, ये आपको सागौन लकड़ी का डोर मिलने वाला है जो कि काफी खूबसूरत डिजाइन वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये हमारा मेन डोर जो सागौन लकड़ी का आपको मिलता है। तो फ्रेंड्स, इस वक्त मैं खड़ा हूँ हमारे लिविंग एरिया में। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारा लिविंग प्लस डाइनिंग एरिया है और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा वर्क आपको देखने को मिल जाए। जैसे कि जो हमारा बैक साइड का वॉल है, यहाँ पे आपको पूरे वॉलपेपर का वर्क आपको देखने को मिल रहा है जो कि बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। आपके जो लिविंग एरिया है उसको बहुत बढ़िया लुक दे देता है। साथ ही साथ यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं आपको पूरे घर में फॉल सीलिंग का वर्क मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है आपको काफ़ी खूबसूरत सा झूमर भी लगा कर दिया जा रहा है। तो हमारा जो ये वॉल है, एक वॉल पे तो वॉलपेपर आपको मिल ही जाता है, साथ ही साथ इस वॉल में भी आपको वॉलपेपर का वर्क देखने को मिल जाता है। तो ये जो है और काफ़ी अच्छा लुक बढ़ा देता है दोस्तों। साथ ही साथ स्टेयर्स है, जो स्टेयर्स के नीचे में भी आपको छोटे छोटे लाइट्स देखने को मिल जाते हैं। और ये पूरा आप देख रहे हैं वुडन फिनिश के साथ यहाँ पर पेंट किया गया है, तो ये भी जो है दोस्तों आपके घर के लुक को और भी बढ़ा देता है। साथ ही साथ जो स्टेयर्स है पूरे में आपको ग्लास पे फिनिश देखने को मिल जाता है। तो ये है हमारा स्टेयर्स। हम ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे बाद में जाएंगे, पहले हम अपना किचन देख लेते हैं। सबसे पहले हम अपना किचन देख लेते हैं। ये हमारा किचन है जो कि मॉडर्न किचन आपको देखने को मिल जाता है, और किचन में भी काफ़ी अच्छा स्पेस है। साथ ही साथ पूरे मॉडर्न किचन है, तो यहाँ पर पूरे आपको कंपार्टमेंट बने मिल जाते हैं जैसे कि हम आप देख रहे हैं। ये हमारे मॉडर्न किचन है, यहाँ पे पूरे आपको मॉडुलर किचन की फिटिंग देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ सभी जो चीज़ें लगी है दोस्तों इस घर में, सभी बेस्ट क्वालिटी के आपको प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। यहाँ पर भी आपको जो है रैक वगैरह प्रॉपर मिल जाते हैं। तो ये हमारा मॉडुलर किचन हो गया, और यहाँ पे आपका वॉश बेसिन आ जाता है जिसमें दो नल कनेक्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, एक डायरेक्ट है और एक टंकी से आपको फिटेड मिलते हैं।
साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी आपको जो है यहाँ पर बोर्ड वगैरह प्रॉपर मिल जाते हैं, और वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे आपको सामने एक विंडो दी गई है। साथ ही साथ अगर आप चिमनी वगैरह का आउटलेट देना चाहें तो वहाँ पे आप दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप एग्जॉस्ट लगाना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये हमारा किचन था, अभी हम चलते हैं हमारे बेडरूम की ओर। अभी हम चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की ओर। तो ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है, और फर्स्ट बेडरूम में भी दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़ा आपको बेडरूम मिल जाता है, जो कि हमारा पहला बेडरूम है। और इस बेडरूम में भी आपको यहाँ पे जो है वॉलपेपर का वर्क देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ ऊपर आप देख सकते हैं खूबसूरत सा फॉल सीलिंग, एकदम सिंपल एंड सोबर फॉल सीलिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि हमारे फर्स्ट बेडरूम है। और यहाँ पे जो है आपको एक वेंटिलेशन के लिए विंडो भी दी गई है, जो कि 3-track पैनल है, मतलब एक मॉस्किटो जाली आपको देखने को मिलेगी, साथ ही साथ 2 glass की जो विंडो आपको उसमें देखने को मिल जाती है। तो ये हमारा फर्स्ट बेडरूम था। तो बेडरूम से जैसे ही आप निकलेंगे, सामने आपको वॉश बेसिन का प्रोविजन देखने को मिल जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं अलग से दोस्तों, ये जगह स्पेस जो है वॉश बेसिन के लिए ही बनाया गया है। तो ये हमारा वॉश बेसिन का एरिया हो गया। अभी हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो है हमारा कॉमन वॉशरूम है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा कॉमन वॉशरूम है, और कॉमन वॉशरूम में भी जो आप फिटिंग्स देखेंगे दोस्तों, टाइल्स हो गया और जो भी चीज़ें यहाँ पे यूज़ किया गया, सब ही A1 क्वालिटी के आपको प्रोडक्ट यहाँ पे मिलने वाली है। टाइल्स की भी क्वालिटी आप देख सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे आप जो चीज़ें लगी है इसकी क्वालिटी आप पूरी जो है अच्छे से देख सकते हैं। तो ये है हमारा कॉमन वॉशरूम। जस्ट कॉमन वॉशरूम से लगा हुआ जो है हमारा यूटिलिटी एरिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा यूटिलिटी एरिया है, और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छा स्पेस हमको यूटिलिटी एरिया में देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक नल कनेक्शन मिल जाते हैं, अगर वॉशिंग मशीन वगैरह आप रख रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे आपको अलग से बोर्ड वगैरह भी प्रॉपर प्रोवाइड किया गया है। तो ये था हमारा यूटिलिटी एरिया। अभी हम चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर में और देखते हैं कि फर्स्ट फ्लोर में आपको क्या क्या मिलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्टेयर्स है हमारे, यहाँ पे साइड में जो है आपको फुट लाइट्स वगैरह पूरी प्रॉपर देखने को मिल जाती है, जो कि ऊपर तक गया हुआ है। तो ये हमारे स्टेयर्स पे भी लाइट्स लगा हुआ है। अभी हम चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर। तो अभी हम आ चुके हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर में, और ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का हॉल का एरिया हो गया। मतलब यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप यहाँ पर भी सीटिंग अरेंजमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी आप बहुत अच्छे तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह कर सकते हैं। पूरे वॉल में जो है आपको वॉलपेपर का वर्क देखने को मिलता है, जो कि लुक को आपको बढ़ा देता है आपके घर को। साथ ही साथ ऊपर जो देख रहे हैं, यहाँ पे भी आपको पूरी फॉल सीलिंग की वर्क देखने को मिल जाती है। तो ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का हॉल एरिया हो गया। अभी हम चलते हैं हमारे सेकेंड बेडरूम की तरफ। तो ये हमारा सेकेंड बेडरूम है, और अगेन दोस्तों सेकेंड बेडरूम में काफ़ी अच्छा स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें भी आपको जो है एक वॉल पे वॉलपेपर का वर्क मिलता है। तो ये हमारा पूरा वॉलपेपर का वर्क किया गया है इस बेडरूम में। साथ ही साथ ऊपर आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग का वर्क भी हुआ है विथ LED लाइट्स के साथ। और वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे भी आपको एक विंडो देखने को मिल जाती है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, 3-track पैनल वाली विंडो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसमें एक जो विंडो रहती है वो जाली की रहती है मॉस्किटो पैनल की, और साथ ही साथ दोनों विंडो जो रहती है वो ग्लास की रहती है। तो ये है हमारा सेकेंड बेडरूम। अभी हम चलते हैं आगे। हम अपने हॉल पे आते हैं, तो हॉल से ही कनेक्टेड हमारा कॉमन वॉशरूम है। ये हमारा कॉमन वॉशरूम है, और इस कॉमन वॉशरूम में भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी टाइल्स वगैरह की फिटिंग आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ गीजर पॉइंट्स वगैरह भी आपको यहाँ पे प्रॉपर मिल जाते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का कॉमन वॉशरूम है। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम अपने थर्ड बेडरूम की ओर, जो कि मास्टर बेडरूम आप बोल सकते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर का। फ्रेंड्स, हम अपने थर्ड बेडरूम पे आ चुके हैं, जो कि हमारा एक मास्टर बेडरूम है, और इस बेडरूम में भी आपको काफ़ी अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ ऊपर आप देख सकते हैं आपको काफ़ी खूबसूरत सा फॉल सीलिंग का वर्क भी किया हुआ है इस बेडरूम में। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वेंटिलेशन के लिए विंडो भी दी गई है, जो कि 3-track पैनल से लैस है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस वॉल में जो है आपको पूरा वॉलपेपर का वर्क देखने को मिल जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये तो ये हमारा थर्ड बेडरूम है, और थर्ड बेडरूम में जो है आपको अटैच वॉशरूम मिलता है। अगेन जो है हमारा वॉशरूम आप देख सकते हैं, इस वॉशरूम में भी आपको सारी फिटिंग्स मिल जाती है, जो कि प्रीमियम क्वालिटी की चीज़ें यूज़ की गई हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने हमारा तीनों बेडरूम देख लिया। अब हम चलते हैं हमारे बालकनी की ओर। तो ये हमारा बालकनी का एरिया है दोस्तों, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, ये ग्लास की रेलिंग आपको देखने को मिलती है, जो कि टफन ग्लास है, काफ़ी मजबूत ग्लास का यूज़ जो है हमारे दोस्तों यहाँ पे आपको किया गया है। तो ये हमारा बालकनी का एरिया हो गया, और आसपास का एरिया देख सकते हैं, पूरी वेल डेवलप्ड कॉलोनी के बीच में जो है आपको ये हाउस देखने को मिल जाता है।
अभी हम चलते हैं हमारे टेरेस की तरफ और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों काफी अच्छा काफी बड़ा ओपन स्पेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इस जगह को भी जो है आप अपने तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे भी जो है आपको एक नल कनेक्शन दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे भी आपको एक नल कनेक्शन दिया गया है। तो फ्रेंड्स अभी हम आ चुके हैं हम अपने टेरेस की तरफ और टेरेस से आसपास का एरिया देख सकते हैं। काफी अच्छा लोकेशन है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया सोसाइटी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे आप जो देख रहे हैं 1000 लीटर का वाटर टैंक भी देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये 1000 लीटर का वाटर टैंक है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस घर में विजिट करना चाहते हैं, किसी भी तरह की आपकी इंक्वायरी है, तो हमारे दिए गए नंबर में आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जरूर फॉलो करें। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय दोस्तों।